नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जम्मू में जैक राइफल रेजिमेंट वेटरन रैली 2023 का आयोजन किया गया है, इसकी आपको झलकियां दिखाते हैं। उनकी वाइफ जो PhD है नाइन जैक, उसमें रिलीज उन्होंने की थी। माय गॉड, मैंने बड़ी उसकी स्टडी की है 40 साल रिटायर होने के बाद। 40 साल हो जाएंगे अगले महीने। मैं चाहता हूँ 4 जैक के ऊपर हिस्ट्री लिखे, वर्ल्ड की प्रेजेंट नंबर 1 बटालियन है। सुबह उन्होंने 300 गाड़ी 6000 21 रात को हमला हुआ किया। इंग्रेजों का प्लान था, पाकिस्तान का नहीं था। और वो प्लान फाइनलाइज हुआ, आप पहुंचे तो डिफेंस मिनिस्टर से मिले, 6000 उरी के रास्ते, 2000 चिटवाल के रास्ते। इसलिए माउंटबेटन वहां बैठा हुआ था। हमारे पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड में अगर देखते हैं तो तकरीबन 160 से 230 JCOs इसके लिए केस प्रोसेस होता है ऑर्डर के लिए, और जिसमें से तकरीबन 25% लोगों को ऑर्डर रैंक मिलता है, जो कि 1/4 का बनता है, जो बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ पोस्ट कहने को भेज आ गया दूर दराज के क्षेत्र से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं आपका अपना कीमती समय देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नदर आर्मी कमांडर की हैसियत से ताजा हालातों के बारे में बताना चाहूंगा। जहां तक LAC का सवाल है, चाइना के साथ हमारा स्टेटस को मेंटेन है, विभिन्न स्तर पर तथा अलग अलग समय पर बातचीत जारी है और हमारी सारी फॉर्मेशंस हाई लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस पर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी है और जो इन्फिल्ट्रेशन कुछ प्रयास हुए हैं जिनको हमारी यूनिटों ने सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया। हेटरलैंड स्थिति काफी हद तक काबू में है। हमारे CICT ग्रेड पूरी तरह से फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही है और कोशिश जारी है कि हम इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोक सकें। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यही एक जरिया है फौज अपने सबका फौजियों के साथ मिल सकती है, उनकी बातचीत हालात पूछ सकती है। नहीं तो फौज बहुत बिजी है, आपको पता ही है, होश ही नहीं आती है। और एक्सर्विसमैन उनकी फैमिली गांव में रहते हैं, शहरों में तो बहुत कम रहते हैं। तो यही एक तरीका बनाया हुआ है कई सालों से कि हम रैलियाँ करते हैं, छोटी छोटी यूनियनें करते हैं और उनके गांव में या उनके शहरों में जाके करते हैं। जैसे आज हमारे कल नवदी रेजिमेंट भी हैं, आर्मी कमांडर भी हैं उपेंद्र द्विवेदी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम आपको फौजियों को, सबका फौजियों को, उनकी फैमिलीज को मिलने आपके घरों में आएंगे, अखनूर में आएंगे, उधर रजौरी में आएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है, अच्छा है, क्योंकि सबका फौजियों का इस रियासत में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बाकी रियासतों में उनकी रिजर्वेशन हैं, उनको नौकरियां मिलती हैं, यहाँ हमेशा उनका दरगुजर होगा, उनको नहीं कोई परवाह नहीं करते थे। अब उम्मीद करते हैं यूनियन टेरिटरी बन गई है, उनका भी ख्याल रखा जाए। अभी हिमाचल में 15% रिजर्वेशन है उनको, यहाँ तो 6% भी नहीं देते। तो अभी वो लड़ाई जारी है। ऐसी रैलियाँ हों तो हम आर्मी कमांडर, सीनियर कमांडर को बताएंगे, वो भी हमारा हमारी मदद करेंगे। तो ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सी गवर्नमेंट, बहुत सी रियायतें, बहुत सी सहूलतें, बहुत से इनाम रखे हुए हैं, मगर वो हर जगह पहुंचता नहीं। खासतौर हमारी रियासत ऐसी है कि दूर दराज में लोग गांव में, पूरा एक्सर्विसमैन गांव में रहते हैं, उनके लिए तो और भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी रैलियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और ताकि वो इनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। सर, आपको आज सम्मानित किया गया है, तो आप कैसा लग रहा है आपको समय? मैं 95 साल उम्र है मेरी, और जब मैं रिटायर हुआ तो आर्मी कमांडर अभी नौकर भी नहीं हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि आर्मी कमांडर के ख़ास तौर पर हाथ से
सम्मानित होना इस रेजिमेंट में, रेजिमेंट का ये घर है जम्मू, चली तो जबलपुर गए वो सेंटर, मगर हमारा घर इस रियासत का घर जम्मू है, जहाँ से उठ के हमारा गुलाब सिंह और हमारे जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, 44 रियासतें हिमालय के पार जाकर के फतह करके हिंदुस्तान के साथ पहली बार किसी ने अगर बाहर हिमालय के पार के रास्ते जगह मिलाई है तो हमारी रेजिमेंट जम्मू एंड कश्मीर, ये डोगरा फौजें होती थी जिनके स्टेट फोर्सेस बोलते थे, फिर वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल बन गई, तो उन्होंने बहुत काम किया है। ये उनकी उनकी बल्कि इतनी मान्यता नहीं हुई है, आपको पता है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को अभी तक परमवीर चक्र नहीं दे पाए जिसने कश्मीर बचाई है, हम उनको सेवियर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, मगर शुक्र है कि होश आई है इनको, और मोदी जी की वजह से हुआ कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी कर दी। अंदाज़ा लगा है महाराजा हरि सिंह हमारे 35 साल कमांडर इन चीफ रहे, मुझे उन्होंने कमीशन दिया था 47 में, और मैं उनके साथ एक महीना बॉम्बे रहा जाके, जब मैं ADC था डॉक्टर करण सिंह जी के साथ, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। 35 साल इस रेजिमेंट के वो कमांडर इन चीफ थे, वो कंटोनमेंट्स जो बदामी बाग का कंटोनमेंट दुनिया का वर्ल्ड क्लास कंटोनमेंट है, जम्मू का कंटोनमेंट ये उन्होंने बनाए हुए हैं। शुक्र है कि 61 साल के बाद उनकी छुट्टी हुई है, दुनिया में ऐसा कोई रूलर नहीं है जिसकी पब्लिक ने 61 साल उनके मरने के बाद छुट्टी ली हो, वन केस इन दी वर्ल्ड, वो कौन है, डोगरा महाराजा हरि सिंह, हमारा कमांडर इन चीफ इस रेजिमेंट का, ये रेजिमेंट उन्होंने बनाई हुई, क्या देखो। तो ये बल्कि ये कश्मीर गवर्नमेंट ने पीछे डाल दिया, 75 साल हमें निकलने ही नहीं दिया, हमारी पलटने भी तोड़ दी, हमारा सेंटर निकाल के जम्मू से वो कहाँ भेज दिए, जबलपुर में भेज दिया, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। तो हम तब खुश होंगे जब वो जबलपुर सेंटर वापस जम्मू आएगा, तब समझेंगे हम कि हमारे दुख दर्द जो शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने हम पर डाले थे उनसे निजात हासिल हुई है। सर, आप वेटरन एक्स आर्मी सर्विसमैन रहे हैं, आपने एक एक समय दिया है आर्मी जॉब में, आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो आर्मी में जो अभी जॉब कर रहे हैं या जो जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? आर्मी की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन है, साफ है, और कैरेक्टर बनता है, गलत काम नहीं करता, देश की सेवा करता है, देश की सेवा करते जान भी निशावर कर देता है, इसके मुकाबले की और सर्विस कौन सी हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि ये अग्नि वीर जो नई इन्होंने सेवा शुरू की है, ये भी एक अच्छा आइडिया है, उससे ये होगा कि लाखों लोग अगले 20 साल 30 साल 40 साल में ट्रेंड होके आम लोगों के साथ मिल जाएंगे, और उससे 10-12 लाख रुपया जो मिलेगा उससे बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे और खड़े हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस 10-20 साल में कम से कम 10-20-25 लाख हमारे सैनिक, यंग सैनिक 4 साल ट्रेनिंग के बाद अवेलेबल होंगे सेकंड लाइन डिफेंस। चाइना का आंसर यही है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। देखो, कुछ जैसे एक्स सर्विसमैन जब अपनी सेवा दे करके घर में आ जाते हैं पेंशन, तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये रैली आयोजित की जाती है, इसके बीच में कुछ चीज़ों का जो है एक्स सर्विसमैन को पता नहीं होता, तो वो हर पेंशन के बारे में या उसको मिलने वाली जो फैसिलिटी है, जैसे ECHS वगैरह जो मेडिकल फैसिलिटी होगी, पेंशन की होगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है दी जाती है, कहाँ इनके कैंप्स लगते हैं, कहाँ क्या है, कहाँ जो भी कुछ है, या हमारी जो बटालियंस हैं उनके बीच में जो हमारे अधिकारी साहब हैं वो कितने मतलब कि इनको अवार्ड मिले हैं, या कितने जवानों को जो है कम्युनिकेशन कार्ड वगैरह जो है, या किन किन यूनिट के जवानों ने अच्छा काम किया है उनके बारे में, जब तो हम सेवा में होते हैं तब तो हमें पता रहता है यूनिट में हर दरबार में बताया जाता है, लेकिन जब हम पेंशन आ जाते हैं उसके बाद हमें जो रैलियों के थ्रू ये हमें हर फैसिलिटी के बारे में पता चलता है,
जो कि हमें इसकी जानकारी मिलती है, जो हम नहीं कर पाते या जिस चीज़ के बारे के बीच में हमें ज्ञान नहीं होता है, तो हम जैसे वेलफेयर सेंटर वगैरह जैसे जिला बोर्ड हैं वहाँ जा करके हम पता करके अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये रैली के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे कुछ मौके हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हमारे एक्स सर्विस मैन उनकी विडोज़ वॉर विडोज़ वीर नारीज को बुला के उनको पहली बात तो सम्मान दिया जाए और उनको कई जो स्कीम्स हैं जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो उनके बच्चों के मुफाद की बातें हैं उनके बारे में बताया जाए और उनकी जो भी मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए।